छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 9वीं का दूसरी इकाई का पद्य पाठ जिसका नाम है कहा कविराज, इसका अध्ययन करेंगे। इस पद्य पाठ के कवि है गिरधर जी। इनका जन्म अनुमान के अनुसार यानी कि उनके जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं थी, तो अनुमान के अनुसार गिरधर जी का जन्म 1713 में हुआ। इनकी बहुत सारी कुंडलियां प्रसिद्ध है। गिरधर जी ने अपनी रचनाओं में नीति, वैराग्य तथा अध्यात्म का विस्तारित रूप दिया है। नीति यानी विचार क्षम, संस्कार क्षम, अध्यात्म मतलब सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना, उनका जाप करना, और वैराग्य मतलब सिर्फ संसार को त्याग कर अपने साधु संत जैसे जीवन बिताना, तो यही उनकी रचनाओं का विषय था। उन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्षों को उनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन किया है। उनकी प्रमुख कृतियां भी है जैसे गिरिधर कविराय की ग्रंथावली, इसमें 500 से अधिक कुंडलियां और दोहे हैं। कुंडली मतलब दोहा और ओला के मेल से बना हुआ है छंद या काव्य प्रकार। दोहा चार चरणों वाला प्रसिद्ध छंद होता है जिसमें 11 और 13 मात्राएं होती है। मात्राएं मतलब हम पराठे में पढ़ते हैं, जैसे वृत्त में पढ़ा है हमने मात्रा वृत्त, जिसमें लघु गुरु के चिन्ह हम लगाते हैं, जो जोड़ शब्द होते हैं काना मात्रा विलांति वाले अनुस्वार वाले, तो वैसे ये मात्राएं होती है। दोहे में प्रथम और तृतीय चरणों में 11 मात्राएं होती है और द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। वैसे रोला यह भी एक काव्य का प्रकार है, वो एक छंद है जिसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें भी विषम चरण यानी ह्रस्व दीर्घ, विषम मतलब ह्रस्व, उसमें 11-11 मात्राएं होती है। सम मतलब दीर्घ चरण जिसमें 13-13 मात्राएं होती है। कुंडली में एक विशेषता होती है, जो जिस शब्द से शुरुआत होती उसकी और उसी से उसका समापन भी होता है। देखो छात्रों, कुंडली में कैसे शुरुआत और कैसे समापन उस शब्द से होता है। पहले कुंडली में देखो आप, गुण के गाहक शुरू हुआ है और समापन यानी अंत भी देखो, गुण के गाहक समाप्त हुआ है आखिरी पंक्ति। वैसे देखा यह शब्द से शुरुआत हुई कुंडली की और अंत भी समापन भी देखा से समाप्त हुआ है। तीसरे में झूठा और आखिरी में भी झूठा, इस तरह से यह कुंडली की शब्द की शुरुआत और अंत उसी पर खत्म होता है। तो चलते हम इस पद्य पाठ को पढ़ने जिसका नाम है कह कविरा, इसका हम अध्ययन करेंगे।